myself Dr. Mayuk Sharma, Assistant Professor, Dravyakund Department in Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women University, Jaipur. आज हम अलसी के बारे में बात करेंगे. इसे अत्सी भी कहते हैं. इसका बॉटनिकल नेम लिनम यूसीटेटिसिमम है और इसे लिनेसी फैमिली में रखा गया है. इसे अत्सी, नीलपुष्पी, शुमा भी कहते हैं. हिंदी में इसे तीसी या अलसी कहते हैं और इंग्लिश में इसे लिनसीड या फ्लैक्स कहते हैं. इसका स्वरूप देखें तो ये वर्षायु शुभ होता है जो करीब 2 से 4 फीट ऊंचा होता है. पत्र इसके रेखाकार या आयताकार होते हैं और आधार पर 3 सिरा युक्त होते हैं. पुष्प इसके अंतिम मंजरियों में और नीलवर्ण के होते हैं. बीज इसमें कृष्णा भूरे रंग के चपटे चमकदार होते हैं. इसके रसपंचक देखें तो इसमें गुरु, स्निग्ध और पिच्छिल गुण है. रस इसका मधुर और तिक्त होता है. विपाक इसका कटु है और इसका वीर्य उष्ण है. दोष कर्म देखें तो स्निग्ध और उष्ण होने से ये वातशामक है और कफपित्त वर्धक होती है, इसलिए वातज विकारों में इसका यूज किया जाता है. इसके कर्म देखें और तो अलसी का गर्म लेप व्रण शोथ को शांत करता है. इसका तेल स्नेहन और वातशामक है. भूनी हुई अलसी कषाय और ग्राही होती है, इसलिए अतिसार, गृहिणी आदि में भूनी हुई तीसी का चूर्ण देते हैं और इसका तेल अनुलोमन करता है, इसलिए विबंध, आना, अर्श में इसका तेल 5 ml की मात्रा में पिलाते हैं. अधरगुद के अवरोध में इसके तेल की बस्ती भी दी जाती है. इसके पुष्प वृद्धि हैं. ये कफ निस्सारक होती है, मूत्रल होती है और उष्ण होने से ये उत्तेजक है किंतु शुक्रनाशक भी है. कामोत्तेजक के रूप में इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है. मूत्रकृच, बस्ती शोध आदि में इसका फांट का प्रयोग किया जाता है. इसके प्रयोजांग देखें तो बीज, तेल और पुष्प इसके प्रयोजांग हैं. इसकी चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम, तेल 5 से 10 ml और पुष्प कल्प 3 से 6 ग्राम मात्रा में काम में लिए जाते हैं. इसका विशिष्ट योग देखें तो अत्स्यादि लेप इसका विशिष्ट योग है.